नमस्कार, कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। जैसा कि आप परिचित हैं कि हमने अपनी पिछली दो कक्षाओं में कबीर के जीवन का परिचय और उनके द्वारा लिखे गए दोनों पदों की शिक्षाओं का अध्ययन किया। दोनों पद जो हैं उनकी शब्द नामक रचना से संबंधित है, यानी इन पदों में पहली पद की शिक्षा ये है कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। ईश्वर द्वैत नहीं है, ईश्वर के कोई दो अलग अलग रूप नहीं होते, ईश्वर का एक ही रूप है और वो ज्योतिर्स्वरूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतिपादक कबीर के द्वारा इसी प्रकार का जो ज्ञान है वो सर्वत्र जनमानस में भेजा गया है। और दूसरे पद में उन्होंने बताया था कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमान संप्रदाय या अन्य किसी संप्रदाय के लोग जो हैं वो धार्मिक कर्मकांड करते हैं, बहाय आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं और फालतू के प्रपंच करते हैं, इन प्रपंचों में कुछ नहीं पड़ा है, ईश्वर की तो भक्ति सहज और सरल भाव से की जा सकती है क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं, उसके लिए किसी भी जप माला छापा तिलक की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ यात्राओं पर अलग अलग स्थानों पर जा करके भी उसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों का भी निंदनीय माना जो लोग शिष्य को गलत शिक्षा देते हैं क्योंकि वो खुद अधूरे ज्ञान संपन्न है, यानी वो गुरु हैं लेकिन गुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी उनके अंदर संकीर्ण ज्ञान है और इसी संकीर्ण ज्ञान के द्वारा जो शिक्षाएं, जो उपाय, जो तरीके वो अपने शिष्यों को बताते हैं वो अनुचित है और अंत समय ऐसा होता है कि उनको वास्तविकता का, रहस्य का पता नहीं चलता है और ये दोनों यानी गुरु के साथ साथ शिष्य भी गर्त में ही चले जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, यानी दोनों का ही नुकसान होता है। फालतू के अभिमानों में भ्रमित होकर के योग साधना, जप माला छापा तिलक, संन्यास, घूम घूम कर, मांग मांग कर खाना, इन सारी चीजों के पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि वो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं लेकिन ईश्वर की आराधना या भक्ति करने के लिए किसी तरह की चीजों की करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आत्मिक ज्ञान को पहचानना जरूरी है कि भाई ये आत्मा परमात्मा का अंश है और सभी प्रकार के प्राणियों में इसी प्रकार की आत्मा का वास है जो परमात्मा के द्वारा ही रचित है, इसलिए सभी के प्रति हमें समदर्शी स्वभाव को धारण करना चाहिए, ऐसी शिक्षा दूसरे पद के द्वारा दी गई है। तो चलिए आज अपनी कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। बिल्कुल सही है, कबीर दास जी ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, उनका मानना था कि ईश्वर जो है एक ही है, ईश्वर के अलग अलग कोई स्वरूप नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने प्रमाणित तर्क भी दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि पूरे सृष्टि पर एक ही प्रकार की वायु है, एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकार की ज्योत विद्यमान है जो इस चराचर प्रकृति को जागृत किए हुए है, चलायमान किए हुए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिस तरह से कुम्हार ही की मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तनों की रचना करता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी सभी प्राणियों की रचना की है। उन्होंने इस प्रकार का उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सकती है लेकिन लकड़ी के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान अग्नि को नहीं काट सकती है, उसी प्रकार से शरीर नश्वर जरूर होता है लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा निवास करती है वो कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। अतः ईश्वर भी अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भेष में हमें मिलते हैं लेकिन ईश्वर वे सभी ईश्वर का ही अंश है, वो ईश्वर से अलग नहीं है। अतः उन्होंने ये शिक्षा दी कि ईश्वर एक ही है, है ना। और जब भी इस प्रश्न का उत्तर दो तो साथ साथ में हमें काव्य की पंक्ति को भी वहां उद्गृत करना है। अतः कवि कबीर की भाषा में उनके द्वारा दी गई शिक्षा यही है, एके पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल। इन पांचों तत्वों से निर्मित इसी शरीर का विध्वंस या नाश भी इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाने से होता है, चाहे उसका दाह संस्कार किया जाए और चाहे उसे दफनाया जाए। जैसे बाड़ी काट की काटे, आग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतरी तो ही, व्यापक धरे स्वरूप को सोही। इस आधार पे बताओ कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। यहाँ कबीर दास जी ने ईश्वर के एक स्वरूप का प्रतिपादन किया है और बताया है कि जिस तरह से
कुल्हाड़ी जो है लकड़ी को काट देती है, लेकिन लकड़ी के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि जो विद्यमान है उसको कोई नहीं काट सकता। उसी तरह से सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर ही निवास करता है, ईश्वर ही व्यापक है, लेकिन उस ईश्वर का स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग दिखाई देता है। तो कबीर ने यहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया है कि ईश्वर विविध स्वरूप धारण कर सकता है, लेकिन विविध स्वरूपों में अलग अलग रूपों में होने के बावजूद भी ईश्वर तो एक ही है। वो जो स्वरूप है वो ईश्वर के अंश है। अतः कवि कबीर ने कहा है कि जैसे बाड़ी काठ की काटे आगिन ना काटे कोई, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप को स्वरूप। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना वह व्यक्ति होता है जो हर समय अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो दीन दुनिया की खबर नहीं रखता है तथा उसे किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई सांसारिक प्रपंच भी अपनी ओर आकर्षित भी नहीं कर पाते। तो कबीर भी पूर्ण रूप से अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में मदमस्त रहने वाले थे और वह उन्हीं के निर्गुण निराकार स्वरूप की भक्ति में अपने आप को लीन रखा करते थे और इसी चीज की शिक्षा वो अपने जनमानस में भी प्रेक्षित करना चाहते थे। इसीलिए अपनी भक्ति में बिल्कुल निर्द्वंद भाव से, निश्चिंत भाव से लीन रहने के कारण, मस्त रहने के कारण इन्होंने अपने आप को दीवाना स्वीकार किया है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा हो गया है? कबीर का ये कथन भी बिल्कुल सही है कि संसार बौरा हो गया है, क्योंकि कभी कबीर कहते हैं कि ये संसार पागलपन का आचरण करने लग गया है। जो व्यक्ति सच बोलता है तो सच सुनने की उनमें इच्छा ही नहीं, सच सुनते हुए वो कई दूरी तक भाग लेते हैं, यानी सच में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस झूठ पर बलिए बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं और बड़ी गौर से उनकी बातें सुनती है। तो इस प्रकार इसका विरोधाभासी ये आचरण बताता है कि ये सारा संसार यानी संसार के लोग पगले हो गए हैं, बौरा गए हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया? बिल्कुल सही है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के धार्मिक आडंबर या दिखावेपूर्ण आचरण पर व्यंग्य किया और उसकी निंदा की। वो ये मानते हैं कि ये नियम और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये अपनी आत्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं करके सिर्फ मूर्ति पूजा, पत्थरों को पूजना, उनमें लगे रहते हैं। इसका मतलब उनके भीतर किसी तरह का आत्मिक ज्ञान नहीं है। ये अलग अलग तरह की ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उस ग्रंथों में जो भी बात है उसे अपने तरीके से गढ़ करके अपने शिष्यों को बताते हैं, लेकिन उनमें वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो नियम और धर्म का पालन करने वाले वो अलग अलग स्थानों पर जा जाकर वृक्षों की पूजा, पत्थरों की पूजा, तीर्थों पर जाना, तिलक माला पहनना, इस प्रकार के कई क्रियाएं करते हैं। साखियों और शब्दों का गायन भी करते हैं, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान जब तक उनको नहीं होता है तब तक उन्हें वास्तविक ज्ञान की खोज नहीं हो पाती है। अतः ऐसे लोगों की इन बहाय आडंबर या दिखावे की आचरण की प्रवृत्ति पर उन्होंने संकेत किया है और व्यंग्य किया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो कबीरदास जी ने बताया है कि जिस गुरु को ही आत्मज्ञान, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है और वह मात्र अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का अपने अनुसार अर्थ गढ़ करके अपने शिष्यों को जो तरीके, जो उपाय, जो मंत्र देते हैं वो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अंत समय आने पर ऐसे शिष्य ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने के कारण गर्त में चले जाते हैं, डूब ही जाते हैं, संसार से उनका उद्धार और तारण नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसे शिष्य जो हैं वो अंत समय में इन गुरुओं के साथ पछताते हैं, क्योंकि उनका कल्याण नहीं हो पाता है। और अगला प्रश्न कहते हैं, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, सबसे पहले बात तो बाह्य आडंबरों की बजाय आत्म तत्व को पहचाने। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इस पंक्ति के माध्यम से कभी कभी ये बताते हैं कि नियम और धर्मों का पालन करने वाले व्यक्ति जो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई आत्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को तो मार चुके हैं, यानी आत्म तत्व का बिल्कुल भी उन्हें बोध नहीं है और वो पत्थरों की पूजा करते इधर उधर घूमते हैं, लेकिन आत्मा के
ज्ञान का, आत्मा के ज्ञान की वास्तविकता का, यथार्थ का उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। आगे की पंक्ति में भी कबीर ने इस प्रकार का जिक्र किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरे न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। कि इन्होंने अलग अलग संप्रदायों में अपने आप को अलग अलग बांट लिया और ईश्वर के नामकरण भी उन्होंने अलग अलग आधारों पर रख लिए हैं। वो साखी शब्द जैसे पदों का, दोहों का गायन करते फिरते हैं और उसी में अभिमान में भ्रमित होते जा रही है, लेकिन उनको आत्मज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का अंश होने की वजह से संपूर्ण प्राणी जो है वो हमारे समान है, हमारे सदृश है, इसलिए हमें सभी के प्रति समदर्शी स्वरूप, समदर्शी भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म तत्व को पहचानने की बात कही है। अब आता है पद के आसपास के प्रश्न। इनमें देखिए कई संत कवियों के नाम हैं, नानक, दादू, रैदास आदि के भी ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि कक्षा 9 के अंदर भी आपने रैदास के पदों का अध्ययन किया। रैदास के ये समस्त पद जो है कबीर के पदों के तरह ही मिलते जुलते हैं और उनकी जीवनावधि भी लगभग कबीर के जीवनावधि से के समीप ही रही है। तो लगभग इन सारे कवियों की जो शिक्षाएं हैं वो एक दूसरे से प्रेरित हैं। ठीक है, अब ये अगला देखिए कि कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध किया गया है, जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु, प्रहलाद सिंह, टिप्पणियां आदि गाए गए पद। इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाए, पाठ्य पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। तो यहाँ इस प्रकार के पदों का गायन कई भक्तिकालीन कवियों ने किया है और इन सारे पदों को गीत के रूप में, भजन के रूप में गाने योग्य भी देखा गया है, क्योंकि इनके पदों में तुकबंदी सराहनीय और प्रशंसनीय रही है। तो इस आधार पर जो कई ऐसे कवि हैं जिनके कवियों के पदों को, जिनके दोहों को भजन के रूप में गाया और याद रखा जा सकता है। तो यहाँ हमने कबीर के पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित चर्चाएं भी आज आपके समक्ष उपस्थित कर दी है। आप उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, धन्यवाद।